Good morning, दोस्तों. आज I am Dr. Ankit Agarwal and today we are going to talk about how do you get dental caries. Like so many people have a doubt, how do you get dental caries? कैसे मेरे दांत में सड़न होती है? कैसे मुझे कीड़ लगता है? तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में काफी सारा बात करेंगे और आज मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल आपको इस बारे में काफी सारी जानकारी दूंगा कि आपके दांत में कीड़ क्यों लगते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, सबको पता है कि दांत का आकार किस तरीके से है. ठीक है, तो दांत का आकार एक बहुत ही पहाड़ी तरीके का आकार ऊपर वाले ने हमारे दांतों को बनाया है. तो जैसे कि अगर आप मान ले तो अपना दांत का आकार ऐसे फ्लैट नहीं है, अपने दांत का आकार बहुत ही पहाड़ी टाइप है. पहाड़ी एज इन ऊपर भी जाएगा, फिर अगेन से नीचे भी आएगा, फिर ऐसे भी जाएगा, फिर ऐसे भी जाएगा. और आप इसमें देख सकते हो इसके अंदर जो है देर आर ग्रूव्स, इसको बोलते हैं पिट्स एंड फिशर्स. ठीक है, तो ये पिट्स एंड फिशर्स जो है ये बहुत ही महत्व रखते हैं आपको डेंटल केरीज आने में या नहीं आने में. तो यूजुअली सबको पता है कि हम लोग सुबह उठ के जो ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, सब लोग सिर्फ इसी तरह से हम लोग ब्रश करते हैं. जो ब्रश हम लोग लेते हैं, सो 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे ब्रश इन दिस एंगल. दिस इज हाउ वी ब्रश. इवन आई यूज टू ब्रश लाइक दिस पहले, बट लेटर ऑन व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ ब्रशिंग लाइक दैट, तो आई स्टार्टेड चेंजिंग द वे हाउ आई ब्रश. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू एजुकेट यू अबाउट हाउ यू हैव टू ब्रश, एट द सेम टाइम ऑल्सो वाई दांतों की सड़न या डेंटल केरीज आपको होती है. ठीक है, तो बिकॉज यू ब्रश लाइक दिस, इफ यू ब्रश लाइक दिस, सिर्फ आपके ये साइड के ही दांत क्लीन होंगे. ठीक है, तो आपको फिर से बता दूं, सिर्फ आपके ये साइड से ही दांत क्लीन होंगे. ओके, और इसमें आपके मसूड़ों को भी काफ़ी सारा नुकसान होगा. तो ये जो ब्रशिंग है ये सबसे रॉन्ग ब्रशिंग है, इसके बारे में हम लोग हमारी दूसरी वीडियो में बात करेंगे. लेकिन अभी मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्यों कीट दांतों में लगता है. क्योंकि हम लोग चबाते हैं इस तरफ से, खाना अपना जब खाना जो लगता है दांतों को वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट इस तरफ नहीं होता है. तो जब खाना इधर लगता है एंड ऐसी कोई चीज़ खाने में आ जाती है जो कि क्लीन नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग यूजली इसको ऐसे ही क्लीन करते हैं और ऊपर साइड में क्लीन नहीं करते हैं, तो वो कोई खाने की चीज़ अगर समझो वहाँ पे चिपक गई है तो उसकी वजह से आपको दांतों में सड़न या दांतों में कीड़ होने के चांसेस ज़्यादा है. क्योंकि आप, मैं और कोई और सभी लोग जो भी हम लोग घर में खाना बनाते हैं वो एक दिन से ज़्यादा नहीं रखते हैं. दूसरे दिन रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, दूसरे दिन रखते हैं तो यूजली खाना ख़राब हो जाता है और उसमें फंगस जैसे या फिर कुछ वाइट ऐसे आने लगता है. तो आप मानिए जब बाहर ही ऐसे हो रहा है तो एक गीली जगह, मुंह के जैसी गीली जगह में अगर खाना अगर चिपक गया है आपके दांतों को और जो क्लीन नहीं हो रहा है, और समझिए अगर वो 3 हफ्ते तक क्लीन नहीं हुए तो उसकी हालत क्या होना चाहिए. तो इसीलिए वो इतने मजबूत दांत, दांत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपके बोन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है. इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर कैल्शियम एंड फ्लोराइड. लेकिन ऐसे इतने स्ट्रांग दांतों को भी जब कोई चीज़ इसके ऊपर जाके चिपक जाती है तो वहाँ से वो दांत नरम पड़ जाता है. फिर अगर आप कुछ हार्ड खाते हो तो वो फिर उधर दब जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा होल मात्र जैसे शुरू हो जाता है. फिर आप दोबारा कुछ थोड़ी देर में खाओगे, फिर वापस उसमें जाके कुछ ना कुछ अटकेगा एंड वो होल धीरे 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 करके बड़ा होते जाता है. इसी कारण से जो है दोस्तों, मैं हर पेशेंट को और हर क्लाइंट को मेरे एडवाइस करता हूँ कि ब्रशिंग यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे भी करना चाहिए. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रशिंग ऊपर बाजू करना चाहिए. इससे आपके दांतों के सड़न कीट से काफ़ी दूर रहोगे और कैविटी मुक्त रहोगे. थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों.